अब हमारा लास्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज करके हम कुछ फॉर्मूले निकालेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं और जिंदगी भर काम आने वाले हैं फॉर्मूले, तो हम देख लेते हैं। बेसिकली फॉर्मूले क्या है, बेसिकली फॉर्मूले नहीं है ये, ना रिलेशन है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब के बीच का रिलेशन। तो हम बेसिकली रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं ग्राफ बनाता हूं, है ना, एक जनरल ग्राफ बनाता हूं। तो ग्राफ बनाया मैंने ये लो, है ना, इसे मैंने ग्राफ में क्या रखा है, यहां रखते हैं वेलोसिटी, चलो, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। मैंने ग्राफ बनाया, मान लो ग्राफ बनाया, सेकंड में ये है, मीटर पर सेकंड में ये है। मान लो स्टार्टिंग में कोई गाड़ी चली, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, जीरो नहीं थी, कुछ भी होगी, मान लो यहाँ पर कितनी होगी, यू मान लेता हूँ मैं, ठीक है, यू होगी इनिशियल वेलोसिटी, यू लेते हैं ना, तो यू मान लेना है, यू होगी, ठीक है। और यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ ग्राफ में यहाँ वेलोसिटी है, लिख देता हूँ वेलोसिटी है। मान लो गाड़ी यहाँ से चली और जहां पर रुकी ना वो वेलोसिटी वी थी, वेलोसिटी वी थी, ठीक है। कुछ टाइम टी तक चली, मान लो ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस को मैं टाइम लिख देता हूँ, टाइम एक्सिस है, ठीक है, और चली वो टी टाइम तक, टाइम टी तक, यहां से लेकर यहां तक टी टाइम है, ठीक है। तो यहां से चली, ठीक है, मान लो चल रही है ना, चली कैसे चली गई, ये लो पहुंच गई, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको मिलाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको मिला दूं, मिला देता हूं, तो क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है, ऐसा भी बनेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। अच्छा क्यों मिला है मैंने, रीजन दिखाते हैं, रीजन क्या है, ठीक है, ऐसे मिला दिया। अच्छा मेरे से कोई बोलता है कि भाई इस ग्राफ को यूज करो, एक काम करो, और इस ग्राफ को यूज करके बताओ डिस्टेंस कितना कवर करा मैंने, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करा गाड़ी ने जो भी चली, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, कैसे निकाले, चलो निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, निकल तो जाएगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, क्या मेरे को पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, हां, अब मैं डिस्प्लेसमेंट को एस लिख रहा हूँ, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट को एस लिख रहा हूँ, हम कर सकते हैं एनर्जी डिनोट। तो मैं लिख रहा हूँ v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पता है मेरे को। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, v टू t, सही बात, कितना होगा v टू t, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो v टू t तो होगा, यहां से निकाल लो। अच्छा इसमें v टू t निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, अगर आपको याद हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं, हम एरिया निकाल सकते हैं, कैसे, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, से ये देखो ये ट्राइंगल है, इसके अंदर का एरिया देखना जरा, अगर मैं एरिया निकालूंगा, जब मैं एरिया निकालूंगा तो क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितना है टी, यहां से कितना है टी, ये टी है तो ये भी टी, इंटू हाइट, हाइट कितना है वी, मतलब ये कितना हुआ वी माइनस यू, ठीक है। फाइनल है क्या, वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू हाफ, हाफ क्या होता है, हाफ तो एक कॉन्स्टेंट नंबर होता है, तो वो क्या देगा मुझे, वो देगा मुझे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, तो इसको मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो यू प्लस टी, सॉरी यू इंटू टी, ये कितना है, यहां तक का यू वी माइनस यू, और यहां तक का यू, है ना, स्पीड की बात, वेलोसिटी की बात, तो ये इंटू ये रेक्टेंगुलर एरिया, हाइट इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू लेंथ, कुछ भी बोल लो, तो ये होता है मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जब मैं टोटल ऐड कर दूंगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रहेगा गाड़ी का। करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक और आइडिया है, देखो अगर मैं इसको ट्रेपेज़ियम मान लूँ, ट्रेपेज़ियम पता है ना, दो पैडल साइड होती है, दो अनइक्वल और अनपैडल साइड होती है, देखो दो पैडल साइड, ये भी एक और ये भी दूसरी अनइक्वल साइड, तो पैडल ट्रेपेज़ियम का फॉर्मूला आ सकते हैं, बट मैं पहले सिंपल से लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरा एस विल बी गिवन एज, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, गिवन एज, ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं, अगर मैं इन पॉइंट्स का नाम दे दूं कुछ, ठीक है, पॉइंट्स का नाम देता हूं, इसको बोलूंगा ए, इसको बोल लो, इस वाले पॉइंट को बोल लो बी, इस वाले पॉइंट को बोल लो सी, ठीक है, इस पॉइंट को बोल लो डी, और इस पॉइंट को बोल लो ओ, ओ फॉर ओरिजिन, ठीक है, ऑरेंज, तो ए बी सी डी ओ, ठीक है, बोल लिया पॉइंट, बोल लिया, अच्छा निकाल लो एरिया, इसका इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बी सी डी ओ, बी ओ
बीसीडी हो, ठीक है, निकालो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस, ठीक है, कितना होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बी सी, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है ए सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ बी सी इंटू सी डी, ठीक है, तो हाफ बी सी कितना है, बी सी कितना है टी, यहां से कितनी दूरी है टी, तो यहां से कितनी होगी टी, तो ये हुआ इंटू टी इंटू ए सी कितना है, ए सी कितना है वी माइनस यू, वी माइनस यू, समझ बात, वी माइनस यू कैसे हुआ, टोटल कितना है वी, ये कितना है यू, ये दूरी कितनी होगी वी माइनस यू, सिंपल, ठीक है, प्लस बी सी द्वारा, बी सी कितना है टी इंटू सी डी कितना है सी डी यू, समझ बात, ये हुआ, इसे मैं सीधा करके लिखूं थोड़ा सा, तो यू टी प्लस ये हुआ हाफ, ये कितना हुआ v माइनस यू इंटू टी, थोड़ा सा नहीं, इसको मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ थोड़ा सा, कैसे, देखो अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया था a इक्वल टू v माइनस यू है टी, ये होता है बताया था, यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू निकाल लो, कितनी आती है ए टी आई, v माइनस यू की वैल्यू आई ए टी, क्या v माइनस यू की जगह पर पुट कर दो प्लस हाफ, v माइनस यू की जगह पर ए टी इंटू ये वाला टी वाला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके ना, तो ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर वन जो आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन और टाइम के रिलेशन में, क्योंकि ये पूरा एक फॉर्मूला होता है, इसे ऐसे डिराइव करते हैं, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ठीक है, फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे नौवीं में दसवीं में ग्यारहवीं में बारहवीं में हमेशा काम आए, बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट हम ड्राइव करते हैं इसी फॉर्मूले से आ जाओ, ठीक है, तुरंत ही हम शुरू कर देते हैं, कैसे, अच्छा मेरे को निकालना है, चलो मान लो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकालना है, ठीक है, मोर डिस्प्लेसमेंट मैंने निकालना वेलोसिटी और टाइम में निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पर देखो ये ग्राफ में ये कितना है v, अच्छा मैं कैसे लिख सकता हूँ v, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ v equals to, है ना, दिख रहा है v equals to, मैं कैसे लिख सकता हूँ v equals to u plus v minus u, लिख सकता हूँ क्या, अरे ये पूरी लेंथ तो लिखी मैंने, ये पूरी लेंथ कितनी है v, इस v को मैं ऐसे लिखूंगा u plus v minus u, सिंपल आएगा v, ठीक है, ठीक है, तो v equals to देखो u प्लस, अच्छा v minus u फिर अटक गया, तो v minus u की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, दोबारा से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाय t, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू at, आई बस अंदर ये आया, इसको उठा के सिंपल कर दो, तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी आती है 80, इसमें डाल दिया डाला 80, तो ये एक फॉर्मूला निकल के आया v इक्वल्स टू u प्लस 80, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द होल लाइफ, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो हमेशा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये रिलेशन ये होता है, ये बेसिकली रिलेशन है, ऐसे फॉर्मूले की तरह रखना मत हो आप बनाना, ये रिलेशन है, तो ये दूसरा रिलेशन आ गया, नेक्स्ट रिलेशन, ठीक है ना, नेक्स्ट रिलेशन बनाते हैं, नेक्स्ट रिलेशन में किसका बनाऊं, है ना, चलो सोच लेते हैं, ऐसा करते हैं टाइम का छोड़ो, टाइम नहीं आना चाहिए उसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बनाता हूं, टाइम को रहने दो, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ओ ये क्या है ट्रेपेज़ियम, अच्छा मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन, अच्छा जी ये क्या है ट्रेपेज़ियम, अच्छा तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम, ठीक है नेक्स्ट लिख रहा हूं, ये एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम, ट्रेपेज़ियम ओ बी ए डी, ओ बी ए डी इज, ठीक है ओ बी ए डी ई इज, ठीक है अच्छा किसी भी चीज का एरिया क्या देता है मैंने थोड़ी देर पहले बात आता है डिस्प्लेसमेंट तो दिस इज होल इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ओबी ओबी इज यू
प्लस एडी 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 कितना है, एडी कितना है, एडी है मेरा वी माइनस यू प्लस यू, ठीक है अभी दिखाता हूं कैसे, इंटू बी सी, बी सी कितना है टी अपॉन टू, देखो जब एडी लगा एडी, एडी है एसी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, तो एसी है वी माइनस यू प्लस सी डी यू, आई बात समझ में, और ये क्या था ओबी, ओ बी सही है, ये क्या है बी सी, बी सी ओ डी टी है, तो बी सी भी टी होगा, टी है इंटू करा, ठीक है अच्छी बात है, सॉल्व करो थोड़ा सा, एस एस इक्वल्स टू यहाँ पर आगे खोलता हूँ, ठीक है दिखेगा मुझे यू प्लस, यहाँ पर आपने लिखा वी माइनस यू प्लस यू, तो माइनस प्लस माइनस जीरो जाएगा, तो बचेगा वी इंटू टी अपॉन टू, अच्छा लेकिन मैंने क्या बोला था, मैं तो एक्सप्लेनेशन लाने वाला था, ओहो ये तो दिक्कत हो गई, तो लेके आता एक्सप्लेनेशन के टर्म्स में इसको, अच्छा एक्सप्लेनेशन के टर्म्स में कैसे लेंगे, मैंने क्या बोला टाइम को गैप कर देते हैं, ठीक है टाइम को गैप कर देते हैं, तो निकाल लो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम ऐसे निकालते हैं एक्सप्लेनेशन का फॉर्मूला बताएगा दोबारा से, वी माइनस यू बाई टी, ठीक है टी निकाल दो यहाँ से, टी कितना आता है वी माइनस यू बाई ए निकाल लेगा, टी इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए, तो यहाँ से एस आया मेरे पास, एस आया मेरे पास वी वी सॉरी यू प्लस वी ब्रैकेट, ठीक है ऐसे लिख रहा हूँ वी प्लस यू ना उल्टा लिखा बस, टी की जगह कितना वी माइनस यू बाई ए और अपॉन ए तो था ही, ये दोनों इंटू हो जाएंगे, ये दोनों ऊपर इंटू हो जाएंगे, ठीक है तो थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं वहीं कर देता हूँ, यहाँ यहाँ करता हूँ, चलो ये तो मुझे आप लगाऊ, ठीक है हो जाएगा एस इक्वल्स टू, एस इक्वल्स टू वी प्लस यू वी माइनस यू, तो इंटू कर लो उसको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा, ठीक है फॉर्मूला होता है एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़ाई होगा कभी ना कभी तो एड कर देना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज गिव्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिखा है ना अपॉन टू ए, टू इंटू ए टू ए इसे उधर भेज दो तो टू ए एस, ठीक है इधर इंटू चला जाएगा तो टू ए एस हो जाएगा इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर होल लाइफ, ठीक है इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है इस प्रकार तीन फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है और इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है अब इसके अंदर चैप्टर क्वेश्चन रह गया खत्म कर सब केवल क्वेश्चन करने हैं, ठीक है तो प्रैक्टिस करो चैप्टर की, ठीक है क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है।